हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग लॉ। और बैंकिंग लॉ का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है चैनल पे, आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखो, फिर यहाँ पे देखो, फिर आपको समझ में आएगा। यदि आपने उसको पहले देख लिया तो आपने लास्ट में देखा होगा, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो ही आप यहाँ आए हो। तो ये पार्ट सेकेंड है इंट्रोडक्शन का, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और यहां तक बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश इन कलकत्ता 1806, यहां तक पढ़ लिए थे, जो कि बैंक ऑफ बंगाल का ही पुराना नाम क्या था, फॉर्मल। ये देखो, ये जब बैंक एस्टैब्लिश हुआ था तो बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम नहीं था, बैंक ऑफ कलकत्ता नाम था। वो फिर 1809 में जाके ये चेंज हो जाता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। यदि आपने यहां तक पढ़ लिया है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या होता है, देखो इंडिया में जो कॉमर्स एक्टिविटीज है वो काफी तेजी से बढ़ने लगा। इंडिया में अभी मैं आपको 18 यहाँ पे देखो, अभी मैं 1800 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 1800 AD की बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइम में इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। देखो जब इकोनॉमी ग्रो करता है तो बैंक का नीड पड़ता है, तो इंडिया को भी नीड पड़ा। और उस टाइम याद करो, इंडिया 3 प्रेसिडेंसी टाउन में था। ये सपोज कर लो इंडिया है, तो उस टाइम इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी टाउन था। यहां पे हो गया कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो ये तीनों जगह पे ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश का ऑलमोस्ट बहुत जगह रूल हो गया था। तो बहुत तेजी से कॉमर्स और हमारा जो इंडिया था ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, तो बैंक चाहिए था, बैंक चाहिए था। तो फिर ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में, ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में वन बाय वन करके बैंक एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बैंक का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ 1806 में। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का फॉर्मेशन हुआ। अभी के लिए बस इतना समझो, बहुत हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को बैंक का नीड बढ़ा। और तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश, और बेसिकली देखो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो ये बेसिकली प्राइवेट बैंक था, तीन बैंक बन गया। यहाँ तक कहानी में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो बैंकिंग लॉ में कहानी का ही आपको समझना है। और ये तीनों जो बैंक है कहाँ पे था, प्रेसिडेंसी में था, प्रेसिडेंसी टाउन में था। तो ये तीनों बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। देखो तीन बैंक था। देखो इंडिया का जो एक्टिविटीज था, जो कॉमर्स था, जो ट्रेड था, बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा था कॉमर्स ट्रेड। तो तीन बैंक इनफ नहीं हो रहा था, तीन बैंक से इंडिया का काम नहीं चल रहा था, ठीक है, तीन बैंक से काम नहीं चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, हम लोग देखो उस टाइम पे एक 1860 में एक एक्ट आता है, ज्वाइंट कैपिटल कंपनी एक्ट, ठीक है। ये जब एक्ट आता है, इस एक्ट से देखो बैंक खोलना ये कोई बच्चा को खेल नहीं है, ये नहीं कि दुकान खोल ली। बैंक खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए, किसी एक पर्सन के पास इतना पैसा तो होगा नहीं। तो यहां से क्या बोला गया, ये जब एक्ट आया तो बोला कि आप लोग यदि ज्वाइंट 3-4 लोग मिलके आप बैंक खोल सकते हैं, ज्वाइंट में आके अब बैंक खोला जा सकता है। ये एक्ट बोला कि यदि आप लोग 3-4 लोग ज्वाइंट होके यदि कोई बैंक खोलना चाहते हो तो आप लोग बैंक खोल सकते हो। इससे पहले तीन बैंक था, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। तो 1860 में ये जो एक्ट आता है, ये एक्ट बेसिकली इस एक्ट के वजह से कैपिटल, आप बोल सकते हो इसको ज्वाइंट कैपिटल बैंक खुला, ठीक है। तो ज्वाइंट में लोग आके जो बैंक खोले, तो सबसे पहला बैंक कौन सा खुला, सबसे पहला बैंक खुला बैंक ऑफ इलाहाबाद 1860 में ये एक्ट, और 5 साल बाद बैंक ऑफ इलाहाबाद फाइनली इंडिया में खुला। तो देखो ये कैसा बैंक था, प्रेसिडेंसी टाउन में तो था नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रेसिडेंशियल बैंक। और आपसे यदि कभी क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि सबसे पहला नॉन प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सा था, तो वो बैंक ऑफ इलाहाबाद था। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक और बैंक खुला, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक, ये 1881 में खुला।
और ये जो बैंक था ना, इसमें इंडियन का उतना स्टेक नहीं था, थोड़ा सा स्टेक था, लेकिन इसको पूरा चलाते इंडियंस थे, ये इंडियंस के द्वारा चलाया जाता था, टेक केयर इंडियन करते थे इसका, लेकिन इसमें इंडियन का स्टेक नहीं था, ये तो फिर दिक्कत था। तो फिर उसके बाद एक बैंक आया, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो ये पीएनबी पहला इंडियन बैंक था, ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैंक। और ये बैंक में टोटल स्टेक मान लो 100 करोड़ का ये बैंक है, तो 100 करोड़ रुपए इंडियन का ही लगा हुआ है, तो इंडियन बिजनेसमैन का ही लगा हुआ था। तो इसमें 100% स्टेक जो है किसका होगा, वो इंडियंस का होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए आप लोग, और भी बहुत सारे इंडियंस बैंक खुलने लगे। अब उस टाइम में देखो काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी मूवमेंट हमारे देश में चरम सीमा पे था, स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके जो बिजनेस कम्युनिटी, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग थे, वो बैंक फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, बैंक बनाना स्टार्ट कर दिए। जिसका आप एग्जाम्पल देखोगे, बैंक ऑफ इंडिया, इसका 1906 में कैनरा बैंक का भी फॉर्मेशन हुआ था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1908, सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 90। तो ये सारा बैंक स्वदेशी मूवमेंट का रिजल्ट है, स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके जो इंडियंस बिजनेसमैन थे वो इस बैंक को बनाए थे। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आप ये देखो, यहां पे 2-3 चेक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो, मुझे ना पिक्चर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसे यहां पे रखा है। जैसे ये देखो 500 का चेक है, ये कब का है, बैंक ऑफ बंगाल का है। ये देखना यहाँ पे, अब मैंने बहुत सारा पिक्चर लगाया है, बहुत सारा बैंक का लोगो भी है, आप देख सकते हो। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग 1806 में बहुत सारा बैंक, इंडियन बैंक का फॉर्मेशन हुई तो हम लोग देख ली। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे ले चलते हैं, क्या होता है 1914 में, आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब होता है 1918 में। ये गलत लिखा गया यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, 1918 में ये एंड हो जाता है, खत्म होता है, स्टार्ट 14 में होता है। तो देखो उस टाइम पे बहुत सारा बैंक था वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद क्या होता है, देखो बैंक का जो प्रिंसिपल है चलने का वो क्या है, बैंक में डिपॉजिट आएगा, विड्रॉल होगा, पैसा आएगा निकलेगा तो ही होगा। अब पैसा मान लो डिपॉजिट बहुत कम होगा, विड्रॉल ज्यादा होगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सिंपल देखो, बैंक में यदि डिपॉजिट आएगा और विड्रॉल होते रहेगा तो दोनों बैलेंस रहेगा। यदि डिपॉजिट आना बंद हो जाए और विड्रॉल ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, बैंक खाली हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लोग जो पैसा डिपॉजिट करके रखे थे बैंक से, सारे लोग पैसा विड्रॉल करने लगे, निकालने लगे। और बैंक उस टाइम कोई ऐसा मिनिमम कैश, अभी जो देखते हो ना, हर एक बैंक को एक मिनिमम कैश रखना पड़ता है, 15% कैश उनको रखना पड़ता है मिनिमम। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बैंक में डिपॉजिट आता था, विड्रॉल होता था। डिपॉजिट बहुत कम हो गया, विड्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 500 to 600 बैंक्स बंद हो गया। तो वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बैंक लगभग वर्ल्ड में पूरा बैंक इतना सारा बंद हुआ। तो इंडिया में उस टाइम पे 3 बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट बैंक कौन कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको एस्टैब्लिश कौन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी किया था तो मतलब कैसा बैंक होगा, ये प्राइवेट बैंक होगा। उसके बाद क्या होता है, देखो लगा इंडिया में कि ये प्रेसिडेंसी बैंक का हाल खराब ना हो जाए, स्थिति खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या करा गया, इसका सिचुएशन खराब ना हो जाए, हम लोग क्या किए, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को, बंगाल के बाद ये हो गया आपका कलकत्ता, सॉरी ये हो गया आपका बंगाल, बॉम्बे और ये हो गया मद्रास, ये तीनों बैंक को हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ज कर देते हैं, और इसको क्या हम लोग बनाते हैं, इंपीरियल बैंक। ये क्यों बना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को ये तीनों बैंक को इमर्ज करना पड़ा, और यहां से एक नया बैंक बनता है जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप ये ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को इसका फॉर्मेशन होता है। एग्जिस्टेंस में कब आता है ये बैंक, 27 जनवरी 1921 को। हेडक्वार्टर कहां था इसका, बॉम्बे में, ठीक है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। थोड़ा सा भी आगे और हम लोग चलेंगे। देखिए ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था,
इसको फिर क्या करा जाता है, नेशनलाइज करा जाता है इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1995। इसकी कहानी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा आगे चलो। अभी आपने वर्ल्ड वॉर का कहानी देखा, अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। द ग्रेट डिप्रेशन, बेसिकली आपको आई थिंक सारे लोग इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। बहुत बड़ा मंदी आया था वर्ल्ड में, एक्चुअली दो बार ही आया है, तो बहुत बड़ा मंदी ये आया था, द ग्रेट डिप्रेशन। इसमें पूरा वर्ल्ड, होल वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था इससे। फिर जब ग्रेट मंदी आया था, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो इस टाइम भी क्या हुआ, फिर सेम केस हुआ। देखो बैंक फिर कैश मेंटेन करती नहीं थी, मिनिमम कैश मेंटेन नहीं करती थी, फिर बैंक में क्या हुआ, विड्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मंदी आया तो लोग पैसा निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है बैंक से, और बैंक के पास डिपॉजिट तो था नहीं। अब कोई कैश होगा आपके पास मिनिमम, तभी तो आप दोगे, कैश ही नहीं था इनके पास। तो फिर से क्या हुआ, बैंक बहुत सारा बैंक 1929 में भी क्लोज हो गया, तो इंडिया में भी बहुत सारा बैंक क्लोज हुआ। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लान की कि फिर सोची कि आखिर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, व्हाई। सॉरी, देखो ये फिर ब्रिटिश ये क्वेश्चन पे काम की, आखिर ये बार बार जो बैंक क्लोज हो रहा है, बैंक बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर ब्रिटिश को पता चला कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, जो बैंक है वो मिनिमम कैश मेंटेन ही नहीं करती है। जब मिनिमम कैश बैंक मेंटेन ही नहीं करेगी, विड्रॉल बढ़ेगा, डिपॉजिट कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है बैंक बंद होगा, पैसा ही नहीं होगा तो बैंक बंद हो जाएगा। तो ये रीजन दिखा, ये रीजन समझ में आया ब्रिटिश को कि ये रीजन अच्छा बैंक बंद होने का। तो फिर क्या हुआ, जब ये रीजन सामने निकल के आया, तो फिर अब इसके लिए सॉल्यूशन करा गया कि यार चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इससे पहले तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि बैंक का रेगुलेट करता है कि बैंक मिनिमम कैश मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं। तो फिर क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन 1934 में खत्म हो जाता है, 1929 में स्टार्ट होता है और 34 में खत्म हो जाता है। 34 में जैसे खत्म होता है, उसी टाइम इंडिया में बैंक को रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक एक्ट पास करते हैं, आरबीआई एक्ट 1934। ये एक्ट पास करा करके एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग फॉर्म करते हैं जो कि बैंक को रेगुलेट करेगा, और उसका नाम हम लोग रख दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रख दिया हम लोग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली इस एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। कोई आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप हुआ था किसके बेसिस पे, तो आप ये बोलना हिल क्लिंटन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप हुआ था। किस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। और आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, 1935 में। एक्ट आ गया था 34 में और फाउंडेशन हुआ था 1935 में। और किस एम के साथ इसका फाउंडेशन करा गया था, रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए, बैंक को। बैंक को रेगुलेट करने के लिए हम लोग आरबीआई का फाउंडेशन किए थे। फिर थोड़ा सा आगे चलिए, तो 34 तक आपका कहानी देख लिया, 35 तक। फिर 35 से आगे चलिए 1947, अब हो गया हमारा देश आजाद। ये वही रिपोर्ट है, हिल्टन यंग कमीशन का रिपोर्ट है ये। हो गया अब इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में। देखो 1949 में क्या होता है, इंडिया हो जाता है इंडिपेंडेंट, अब इंडिया हो गया आजाद, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब ये देख लो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ये हम यहां तक हम लोग पढ़े थे। देखो 1935 में जैसे आरबीआई का फाउंडेशन होता है, और अप्रैल से आरबीआई अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और आरबीआई को नेशनलाइज करा जाता है कब, 1949 में, 1 जनवरी 1949 को। और ये इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से करेंसी इशू का जो फंक्शंस होता है ये अपने पास आता। देखो पहले यहां पर समझो, नेशनलाइज हो गया कब, 1 जनवरी 1949 को। अब ये नेशनलाइज क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑनरशिप और मैनेजमेंट, यहां पर मैंने डिफिनेशन भी लगा दिया, नेशनलाइज बैंक का क्या मतलब है, जब बैंक का ऑनरशिप और मैनेजमेंट
किसके पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास चला जाए, तो वैसा बैंक को हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज बैंक या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जिस बैंक का नेशनलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज बैंक। जिस बैंक का ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, हम लोग उस बैंक का बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। और जिस बैंक का हुआ है नेशनलाइजेशन उस बैंक को बोलते हैं नेशनलाइज बैंक। तो 1949 में 1 जैन को आरबीआई का नेशनलाइज हो जाता है और आरबीआई के पास क्या चीज का फंक्शन आ जाता है, करेंसी इशू करने का, और भी फंक्शन आता है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आता है, सर इसको जो नेशनलाइज करा गया किस एक्ट के अंदर, तो इसको नेशनलाइज करा गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसको अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक एक्ट पास कराया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आरबीआई को क्या करते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। और ये जो एक्ट था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंपावर करता है आरबीआई को कि अब आप सारे बैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो, आप रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल और इंस्पेक्शन कर सकते हो, जो भी जितना सारा बैंक है इंडिया में सबका। और आरबीआई क्या बोला, आरबीआई ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और क्या बोला कि जो नया बैंक है यदि उसको कोई ब्रांच खोलना है, यदि उसको एक बैंक, और आरबीआई ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोला, यदि किसी को नया ब्रांच खोलना है, नया बैंक खोलना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग बैंक का ब्रांच खोलना है, तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोला, दो बैंक का या फिर दो से ज्यादा बैंक का कॉमन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। मान लो ये एक बैंक है, ये बैंक है, आप इसके भी डायरेक्टर हो, इसके भी डायरेक्टर, ये अब से नहीं होगा। ये कौन बोला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोला। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेन फंक्शंस क्या क्या था आरबीआई का। तो पहला फंक्शन था करेंसी इशू करना, दूसरा था ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है। ठीक है, बैंकर मतलब था, पहले पढ़े हो ना, जो बैंकिंग एक्टिविटीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर। तो गवर्नमेंट का जो बैंकिंग एक्टिविटीज है वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और ये बैंक को भी पैसा देता है, बैंक को पैसा देता है, हम लोगों को पैसा जरूरत पड़ता है हम लोग बैंक से लेते हैं, बैंक को यदि जरूरत पड़ेगा तो कौन देगा, आरबीआई देगा। और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका भी कस्टडियन देता है। यदि बैंक आपको ऑपरेट करना है इंडिया में तो उसके लिए भी लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है। और जो कमर्शियल बैंक है, देखो कमर्शियल बैंक किसको कितना लोन दिया, कब क्या दिया, ये सारा कुछ रेगुलेट आरबीआई करता, सारा इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है आरबीआई को। तो आरबीआई ऐसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। अभी हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या होता है, 1955 में इसका भी नेशनलाइजेशन हो जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है इंपीरियल बैंक को, किसमें, एसबीआई में। आप इसको ध्यान रखिए, किसमें कर दिया जाता है, एसबीआई में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये देखिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये तीन बैंक से बना था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों बैंक को मर्ज करके हम लोग क्या बनाए थे, इंपीरियल बैंक। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1995 में इसको हम लोग नेशनलाइज कर देते हैं। अब इंपीरियल बैंक का जो ऑनरशिप है किसके पास चला जाएगा, सर गवर्नमेंट के पास, और इसका नाम बदल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है और इंपीरियल बैंक का नेशनलाइज कर देते हैं। फिर 1969 में 14 और बैंक को हम लोग नेशनलाइज कर देते हैं, मतलब 14 और बैंक का जो मैनेजमेंट है और 14 बैंक का जो ऑनरशिप है वो किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास। तो 14 बैंक और नेशनलाइज कर दिए जाते हैं 1969 में। देखो अब किस बैंक को नेशनलाइज करा गया, गवर्नमेंट बोला जिस बैंक का डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़ है, जिस बैंक का डिपॉजिट, नेशनल डिपॉजिट, पूरा नेशन में जिस बैंक के पास 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट आता है उस बैंक को हम लोग क्या करेंगे, वो बैंक को हम लोग नेशनलाइज कर देंगे। तो 14 ऐसे बैंक थे जिसको हम लोग क्या किए, नेशनलाइज कर दिए। ठीक है,
और यहाँ पे 14th बैंक का, आप सब बैंक का नाम देख सकते हो, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा, महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, डेना बैंक, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फिर नीचे देख लो ओवरसीज बैंक है, उसके बाद है इंडिया इंडिया इंडियन बैंक, पंजाब बैंक, ये सारा बैंक आप नीचे देख लेना। यहाँ पे देखो उस टाइम का ये आर्टिकल है, टॉप 14 बैंक्स आर नेशनलाइज, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। कब का है ये? 20 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के टाइम में ये करा जाता है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इन ईयर 1980 क्या होता है, इन ईयर 1980 छह और बैंक को, देखो इससे पहले तो हम लोग देखे ना 1969 में 14 बैंक, फिर उसके बाद 1980 में 6 बैंक, टोटल हो गया 20 बैंक हम लोग क्या करते हैं नेशनलाइज कर देते हैं, बेसिकली 20 बैंक को हम लोग सरकारी बैंक बना देते हैं, कॉमन भाषा में सरकारी बैंक। तो ये सारा बैंक जो है, आंध्रा बैंक जो बाद में बन जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही जाके मिल जाता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में पीएनबी में जाके मिल जाता है, ओरिएंटल बैंक जो कि फिर बाद में पीएनबी में मिल जाता है, पंजाब सिंध बैंक जो अभी भी है, और विजया बैंक जिसको कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग मर्ज कर दिए। तो ये छह बैंक को भी हम लोग क्या करते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं। इसके बाद देखो ये तो 20 आपने देख लिया, इस 20 के अलावा 7 सब्सिडरीज बैंक था एसबीआई का, 7 सब्सिडरी बैंक था, उसको भी हम लोग क्या करते हैं 1959 में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं 1959 में। 1959 ये आप पहले देख लीजिए कौन कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ये सारा बैंक जो आप देख रहे हो, ये सारा बैंक यहाँ पे देखो, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, ये सारा बैंक को हम लोग क्या करते हैं, ये देखो हाँ 1959 में ये सारे बैंक को हम लोग क्या कर देते हैं, नेशनलाइज। क्या हो गया यार ये। फिर उसके बाद देखो ये एसबीआई में ये जितना बैंक देख रहे हो ना, दो बैंक को छोड़ा के, बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर, ये सबको छोड़ा के ये जो पांच बैंक था 2017 में 2017 में ये सब बैंक को हम लोग एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर देते हैं। इसको जब लोग मर्ज कर देते तो उसके बाद बहुत बड़ा बैंक बन जाता है एसबीआई। खैर तो ये पांचों बैंक मर्ज हो जाता 2017 में, और ये जो दो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये पहले ही मर्ज कर दिया जाता था एसबीआई में। कब कर दिया गया था? ये इंदौर वाला बैंक हुआ था 2010 में और सौराष्ट्र वाला 2008 में। अब हम लोग बात करेंगे 1991 में। देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए बैंक कैसे नेशनलाइज हुआ, कितने बैंक हुआ, ये सारा कुछ पढ़ लिए। 1991 में क्या होता, हम लोग एक रिफॉर्म करते हैं एलपीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने के लिए हम पढ़ते हैं। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो होता है, तो यहां से तीन कॉन्सेप्ट निकला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991। इस टाइम पे देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आया कि देखो हम लोग प्राइवेट तो कर ही रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना बैंक को भी चांस दे, बैंक को भी प्राइवेट करें। तो गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक को पुश करने के लिए यहां पे क्या हुआ, हम लोग बैंक को भी सोचे कि चलो प्राइवेट कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक हम लोग कमिटी बनाते हैं, तीन कमिटी आपको ध्यान रखना है, नरसिम्हम कमिटी का रिपोर्ट 1991 का, नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट सेकेंड 1998 ये, और 2013 का एक कमिटी है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारा कमिटी है बैंक में सुधार करने के लिए, बट बैंकिंग सिस्टम में आप ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी जो मैं अभी आपको बताऊंगा प्राइवेट बैंकों के लिए। तो यहां से क्या हुआ, प्राइवेट बैंक को पुश करने के लिए कमिटी बनाई गई, नरसिम्हम कमिटी, और इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, इस कमिटी के चेयरमैन थे मिस्टर एम नरसिम्हम, जो कि गवर्नर
थे, फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। देखो ये कमिटी जो सेटअप हुआ था किसके अंडर हुआ था, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इनके, और उस टाइम पे इसको सेटअप करवाया कौन था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 14 अगस्त 1991 को इस कमिटी का सेटअप करवाए थे। उसके बाद ये कमिटी बना तो ऑब्वियसली बात है ये रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है नवंबर 1991 को, ठीक है, और ये बिल पास कब हो जाता है, 17 दिसंबर 1991 को पार्लियामेंट में पास हो जाता है। जब ये पास होता है उसके बाद क्या क्या, देखो रिकमेंडेशन था इनका, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, प्रोसीजर ऑफ बैंक। बेसिकली इस रिपोर्ट के आने के बाद 10 प्राइवेट बैंक को इंडिया में लाइसेंस मिलता है बैंकिंग एक्टिविटीज, मतलब बैंकिंग करने के लिए, ठीक है। तो 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, ये कमिटी का रिपोर्ट का ध्यान रखना तुम्हें। और 10 कौन कौन सा बैंक थे इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पे 10 बैंक का नाम है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, यूटीआई जो कि एक्सिस हो गया है, आईडीबीआई, इंडसलैंड बैंक, डीसीबी, टाइम्स बैंक जो कि एचडीएफसी हो गया है, और उसके बाद एचडीएफसी में बेसिकली मिल गया है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और सेंचुरियन बैंक जो कि अभी सब ये एचडीएफसी में मिल गया है। तो आई होप आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा रिपोर्ट में चलते हैं। दूसरा रिपोर्ट कब आता है, 1998 में। दूसरा रिपोर्ट आता है 1998 में। ये रिपोर्ट आने के बाद आप फिर से ध्यान रखना, ये रिपोर्ट जब आया था ये कमिटी किसके द्वारा बनाया गया था, पी चिदंबरम 1997 में उनके द्वारा बनाया गया था। और ये जो कमिटी रिपोर्ट बनाई थी किसको सबमिट की, तो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, तो उनको सबमिट करा गया 1998 में, ठीक। और ये कमिटी बहुत सारा जानी जाती है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, और ये मेनली फोकस क्या चीज पे किया था, साइज ऑफ द बैंक पे और रिव्यू प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म, मेनली इनका फोकस इस पे था, कैपिटल बेसिकली CARSU पे। उसके बाद ये कमिटी के आने के बाद यहां भी 2 बैंक को लाइसेंस मिलता है। कौन कौन सा बैंक ध्यान रखना, यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक 1998 में इस बैंक को भी यहां पे लाइसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2013 का बीमल जलान, ये बीमल जलान साहब आप इनको देख लो, बीमल जलान साहब कमिटी बेसिकली, चलो ये बीमल जलान कमिटी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसके बाद फिर 2 बैंक को लाइसेंस मिलता है, IDFC और बंधन बैंक, ये भी फॉर्मर गवर्नर थे RBI के। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये थोड़ा सा हम लोग यहां से बढ़ते हैं। देखो 23 सितंबर 2013 में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, एक कमिटी फॉर्म करता है नैकी किट मोर, बेसिकली मोर साहब के अंदर में आरबीआई एक कमिटी फॉर्म करता है, ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लेना। ये कमिटी जो फॉर्म होता है, ये कमिटी बेसिकली किस पे काम करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस होते थे, स्मॉल बिजनेस और लो इनकम फैमिली के लिए एक कोई बैंकिंग सर्विसेज हो, तो ये अपना रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है 7 जनवरी 2014 को। उसके बाद इनके वेरियस रिकमेंडेशन पे एक नया कैटेगरी का बैंक फॉर्म होता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं पेमेंट बैंक, जो कि आप लोग देखोगे जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो, NSDL, ये सारा 6 जो पेमेंट बैंक आप देख रहे हो, ये पेमेंट बैंक ये 2013 में जो कमिटी बना था उसी के रिकमेंडेशन पे एक नया कैटेगरी का बैंक का फॉर्मेशन हुआ, पेमेंट बैंक, ठीक है। तो अब देखो ये पेमेंट बैंक कैसे क्या बना, 2014 में 17 जुलाई 2014 को RBI एक गाइडलाइंस रिलीज करता है, एक गाइडलाइंस इशू करता है कि आप लोगों को इनवाइट है, बेसिकली पब्लिक, जनरल पब्लिक में ये लेके जाता है कि आप लोग जो भी चाहते हो बैंक खोलना, आप आओ पेमेंट बैंक खोलो। फिर फाइनल गाइडलाइंस आता है कि कैसे क्या आप बैंक खोलोगे, कैसे क्या होगा, ये सारा कुछ फाइनल गाइडलाइंस में आता है जो कि 27 नवंबर 2014 को आता है, RBI एक तरफ से रिलीज करा जाता है। उसके बाद फिर पेमेंट बैंक हमारे देश में बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी 6 पेमेंट बैंक है जिसका मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया, और थोड़ा सा हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। देखो पेमेंट बैंक एक नया मॉडल बैंक था, ये हम लोग अभी जस्ट देखे, जो कि RBI का कॉन्सेप्ट था, ये भी हम लोग जानते हैं RBI का ये कॉन्सेप्ट था।
और देखो आरबीआई क्या करता है, ये बैंक में डिपॉजिट पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि इस बैंक में कस्टमर सिर्फ 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकता है। और ये जो बैंक है पेमेंट बैंक क्या इशू नहीं कर सकती है, लोन इशू नहीं कर सकती है और क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट जैसे आप नॉर्मल बैंक में खोलाते हो ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सेम वैसी तरह से ऑपरेट होगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं सॉरी नॉर्मल में तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है ना सॉरी ये बैंक आपको बेसिकली एटीएम कार्ड देगी और डेबिट कार्ड देगी, क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। आप फिर जैसे हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग आप वो कर सकते हैं। और सबसे पहला पेमेंट बैंक जो था वो था भारतीय एयरटेल, अभी जो आप एयरटेल का सिम यूज करते हो ना उसी का एक डिवीजन था फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये बनता है एयरटेल पेमेंट बैंक। ये भी आती है, इसको भी बनना था पेमेंट बैंक, तो फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक बनती है। उसके बाद एक गवर्नमेंट का बॉडी आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखो आप थोड़ा सा, इंडिया पोस्ट बैंक ये भी ये जो इंडिया हाँ चलो इंडिया पोस्ट बैंक जो है ये भी किसका डिवीजन है, ये इंडिया पोस्ट का डिवीजन है। ये बेसिकली 2018 में ओपेंड हुआ था, 2018 में खुला था और 2 साल के अंदर दिसंबर 2020 तक ये लगभग 4 करोड़ कस्टमर एक्वायर कर लेता है। देखो कितना ये डेवलप किया। फिर 2000 अब ये देखो इसका हम लोग देखते हैं इसको लाइसेंस कब मिला था। इंडिया पोस्ट को लाइसेंस मिल गया था 19 अगस्त 2015 को और ये लाइसेंस मिल गया था पेमेंट बैंक चलाने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लाइसेंस मिलेगा ऑब्वियस सी बात है। फिर 2016 में 17 अगस्त 2016 को ये रजिस्टर्ड हो जाता है एज ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी जो कि पब्लिक बैंक सेटअप करती है PPP IP इंडियन पोस्ट पब्लिक बैंक पेमेंट बैंक। तो ये ऑपरेट करता है इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आप ध्यान रखना। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक देख लो आप, इंडिया में कौन कौन सा है, एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, ये हम लोग अभी जस्ट देखें। अब थोड़ा सा हम लोग काइंड्स ऑफ बैंक देख लेंगे, ठीक है। आप तो जानते हो सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक जिसको आरबीआई आप लोग बोलते हो, है ना, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। उसके बाद हमारे देश में क्या होता है, शेड्यूल बैंक होता है ना, इसके बारे में हम लोग एक नया लेक्चर में पूरा डिटेल में बात करेंगे, बैंक के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ बैंक एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहां हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। तो अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक। देखो शेड्यूल बैंक में आप पढ़ोगे कमर्शियल और कॉरपोरेटिव। कमर्शियल में भी क्या पढ़ोगे आप, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में SBI और उसके एसोसिएट, फिर अदर नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट और में आप पढ़ोगे ओल्ड प्राइवेट और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर उसके बाद फॉरेन जो बाहर के बैंक होते हैं वो बैंक भी आपको कमर्शियल बैंक ही होते हैं। फिर RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, ये भी कमर्शियल बैंक ही होते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक जो कि कुछ स्टेट के द्वारा भी बनाया जाता है कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा होता है। फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर बैंक। उसके बाद देखो नॉन शेड्यूल बैंक जैसे कि एक होता है पेड अप 5 लाख से कम वाला, फिर एक होता है इंडिजेनस बैंक और कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होता है। स्पेशल काम के लिए वो बैंक बनता है। जैसे यहाँ पे हम नाम देखो डेवलपमेंट बैंक, नाम से क्लियर है कि ये बैंक बना होगा किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद एक बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बैंक किस चीज के लिए होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक, ये बैंक बना हुआ किस लिए, मॉर्गेज वाला के लिए। इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो बैंक है ये कैसा बैंक है, ये स्पेशलाइज्ड बैंक है। रिटेल बैंक, ये रिटेल काम के लिए बना होगा। अब हम लोग देखते हैं इंडिया में क्या क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है बैंकिंग लॉ के लिए। हमारे इंडिया में कौन कौन सा लॉज है जो बैंकिंग लॉ से रिलेटेड है, तो हमारे देश में बहुत सारा लॉ है जो बैंकिंग लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप पढ़ते जाना यहाँ से, और इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे ये सारा आप लोग 1x1 PDF में पढ़ लेना। इतना मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, बट आप देख लेना। जैसे कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इसके अलावा ये सब जो आप देख रहे हो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये दो लास्ट में जो रेड पेन से देख रहे हो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा आप देख लेना कौन कौन सा है। लिमिटेशन एक्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मान लो कि चेक बाउंस हो गया तो कितना टाइम के अंदर आप करोगे, तो लिमिटेशन एक्ट में देखना पड़ेगा। कोई पैसा लेके भाग गया कितना टाइम के अंदर में आप जाके केस करोगे, ये लिमिटेशन कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा। तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कहाँ देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे। तो थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप देख लेना कौन कौन सा यहाँ पे हमारे देश में लीगल फ्रेमवर्क है।
लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड, वो देख लेना। और मैं क्या क्या रिफॉर्म हुआ ये सब भी मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ, क्या क्या सब एक्ट आया बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए जो जो एक्ट आया यहाँ पे सारा मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन ट्रस्टी स्टैंप एक्ट, ये सारा एक्ट है ईयरली वाइज, किस ईयर में कौन सा एक्ट आया यहाँ पे ईयरली है, और यहाँ सीरियल नंबर में यहाँ पे मैं दो पेज में लगा रखा हूँ, आप पूरा पढ़ना इसको, जब आपके पास पीडीएफ जाएगा आप इसको आराम से अच्छे से 73 टोटल देखो यहाँ पे टोटल मैंने 73 रिफॉर्म्स और एक्ट जो 2015 तक हमारे देश में आया है बैंकिंग से रिफॉर्म के लिए, ये सारा मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देख लो हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में कौन कौन सा बैंक, यहाँ पे बैंक का लिस्ट है, आप इसको भी अपने पीडीएफ में पढ़ना। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी बैंक, ICICI, HDFC, ये सब सारा प्राइवेट बैंक है। उसके बाद आप देखो आपको यदि ये लिस्ट लेना है ना कि इंडिया में कौन कौन सा बैंक काम करता है, जनरली ये जो बैंक देख रहे हो जो पीडीएफ मिलेगा आप इस पर क्लिक करना, आपको पूरा बैंक कौन कौन सा बैंक इंडिया में ऑपरेट करता है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद देखो पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका ऑनरशिप किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास, जिसका ऑनरशिप होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक। इसमें क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब आप देख लेना। लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक अभी जस्ट आपने देखा, एयरटेल, इंडिया पोस्ट। यदि आपको यहां तक पूरा समझ में आया और ये जितना सारा है, आप इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाओ डाउनलोड करो। यदि आपको समझ में आया, पसंद आया, तो आप प्लीज चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप इसी तरह का और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ, फिर नया कोई लॉ के सब्जेक्ट के साथ, लीगल अवेयरनेस वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।